नमस्कार। भारत की चेतना भारत का लोक और भारत के लोक की चेतना की गहरी समझ रखने वाले डॉक्टर कपिल तिवारी। डॉक्टर कपिल तिवारी सागर जिले से हैं और उन्होंने अपना अध्ययन हिंदी साहित्य में पीएचडी करके पूरा किया था। जिस दौर में हिंदी साहित्य ही लोगों को आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग दिखता था, तब डॉक्टर तिवारी ने हिंदी साहित्य के मोह को छोड़ करके और लोक साहित्य के लिए और भारत की लोक संस्कृति के लिए काम करने के लिए अपना जीवन लगाना ऐसा तय किया। 40 वर्षों की साधना में उन्होंने अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु वह अपने मार्ग पर अडिग और अविचल बने रहे। और इन वर्षों में उनके द्वारा न केवल 100 के लगभग लोक साहित्य पर अलग अलग प्रकाशन हुए, अपितु इस बीच में लोक संस्कृति के विश्व में सर्जना के अनेक लोग, लोक संस्कृति पर लिखने वाले अनेक लोग, लोक संस्कृति पर विमर्श करने वाले अनेक लोग और ऐसे अनेक लोग जो लोक संस्कृति से परिचित ही नहीं थे, परंतु उन्होंने उनके दौर में किए गए काम के द्वारा लोक संस्कृति को जाना। भारत दरअसल भारत के लोक चित्त से चलता है और स्वतंत्रता के उपरांत पूरे भारत में लोक पर इतना बड़ा काम संभवतः केवल डॉक्टर कपिल तिवारी के हाथों से हुआ। उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर हम डॉक्टर तिवारी का स्वागत करते हैं और उनसे दर्शकों के लिए कुछ जिज्ञासाएं जो हमारी हैं उनके उत्तरों के लिए प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न हमारा ये था जी कि ऐसा कहा जाता है कि भारत की संस्कृति ही उसका प्राण है, इस पर यदि आप थोड़ा प्रकाश डाल सके। ये बिल्कुल सच है। असल में इस तरह समझे चीजों को कि भारत के पास एक बहुत सुदीर्घ परंपरा अपनी साधना की है। साधना से जन्मा ज्ञान है, ज्ञान की एक विपुल राशि है। भारतीय संस्कृति का एक पक्ष जो है उसका है एक ज्ञानात्मक आधार। ये दुनिया में एक अपूर्व घटना थी जब ज्ञान की परंपरा ने किसी देश की संस्कृति को जन्म दिया हो। रहने जीने का जो जीवन है उसमें जो ज्ञान है वो संस्कृति के माध्यम से भारतीय लोगों तक पहुंचाया गया। उसमें हमारा लोक भी था, हमारे आरण्यक समाज भी थे और हमारे नागर समाज भी थे। तो पहला अवदान तो हमारी ज्ञान परंपरा का ये है कि उसने एक ऐसी संस्कृति रचना के लिए भारती को प्रवृत्त किया जो ज्ञानपूर्ण हो। ज्ञानपूर्ण संस्कृति कुछ और चीज होती है। और दूसरी चीज, जब वो संस्कृति रचना के क्षेत्र में आई तो उसने जीवन की रचना में सारे ज्ञान को बीप करना, बुनना शुरू किया कि तुम्हारी चर्या क्या होगी और तुम्हारी दैनंदिनी क्या होगी और इस पूरे के पूरे जीवन में संस्कृति को कैसे विन्यस्त किया जा सकता है, इसकी कीमिया उन्होंने खोज के वो रचना की है। तो हमें दो चीजें समझना चाहिए कि संस्कृति भारत में जीवन से अभिन्न है और ज्ञान से अभिन्न है। संस्कृति का मतलब होता है कि वो सदा सामाजिक की होती है, वो व्यक्तिगत नहीं होती। ज्ञान व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन ज्ञान को भी एक दिन सार्वजनिक होना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया जरा लंबी होती है। लेकिन ऐसी किसी संस्कृति की हम कल्पना नहीं कर सकते जो व्यक्तिगत रखी जा सके। तो जब जीवन के लिए सामाजिक ने संस्कृति भारत में रची तो उसके पास आधार था अपने ज्ञान की परंपरा का, है ना। उसके पास जो आंख थी, जो समझ थी, जो संज्ञान था, वो बहुत गहरे जाता था। यानी एक ज्ञानात्मक आधार जो होता है वो हमारे आत्मा तक जाता है। तो उतने बड़े आधार को लेकर भारत में संस्कृति रचना का एक क्रम शुरू हुआ। तो रहना जीना कैसे हो, संस्कृति सबसे पहले आपको इसमें संस्कारित करती है। कैसे चलना है, कैसे जागना है, कैसे सोना है,
कैसे खाना है, कैसे संवाद करना है, कैसे संबंधों को बनाना है, क्या सामाजिक मर्यादा होगी, क्या तुम्हारा मूल्य बोध होगा, ये सारी चीजें संस्कृति के भीतर के विषय हैं। लेकिन उसका एक पक्ष होता है सदा रचने का भी, कि संस्कृति जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है, जैसे आइसबर्ग होता है उसका बड़ा हिस्सा जो है पानी में डूबा रहता है। तो हमारे सांस्कृतिक बोध का बड़ा हिस्सा जो है इस संस्कारशीलता के आइसबर्ग की तरह जल के भीतर है, जो हमारी आस्था का निर्माण करता है, हमारे मूल्य बोध का निर्माण करता है, हमारी चेतना का निर्माण करता है, हमारी आस्था का निर्माण करता है। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा ऊपर है जिसको हम संस्कृति का भौतिक रूप कहते हैं, भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति का मतलब होता है कि सैकड़ों आयाम हैं जीवन में, मनुष्य सौंदर्य रचना के लिए प्रेरित होता है तो वो मिट्टी में काम करता है, लकड़ी में काम करता है, वस्त्रों में काम करता है, वो धातुओं में काम करता है, वो मंदिरों के स्थापत्य खड़ा करता है, वो मूर्ति शिल्पी होता है, हजार तरह से जीवन को सुंदर बनाने के लिए मनुष्य जो है सौंदर्य रचना में प्रवृत्त होता है। इसको मैं कहता हूँ फिजिकल कल्चर। लेकिन अटूट रूप से उसके जो तार हैं वो हमारी ज्ञान परंपरा और संस्कृति के हमारे उस बोध से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं जो सतह पे दिखता नहीं है। सतह पे दिखने वाली भौतिक संस्कृति जो है वो है रचना की, लेकिन सतह के नीचे संस्कृति का जो बोध है वो है हमारा मूल्य बोध, हमारी ज्ञानात्मक चेतना, हमारा संज्ञान, हमारी आस्था। अब इसमें यह समझना है कि इस धरती पे इतने विशाल सांस्कृतिक दाय को धारण करने वाला भारत शायद सबसे सनातन देश है। प्राचीन मैं नहीं कहूंगा, प्राचीन इस देश में कुछ होता ही नहीं, सनातन होता है, वो अपने को लगातार नया करता चलता है। तो हम एक ऐसी संस्कृति में सौभाग्य से हैं जिस संस्कृति को हम एक तरह से जीवंत संस्कृति कहते हैं। ये मृत अतीत की स्मृति नहीं है, इसको पुरावशेषों में नहीं खोजना है, ये हमारे जीवन में शामिल है, ये चल रही है हमारे साथ, हमारे रक्त में दौड़ती हुई। तो हमारा भाग्य इस अर्थ में बड़ा अनूठा है कि हम एक ऐसी संस्कृति के भीतर पैदा हुए हैं, एक ऐसी जीवन परंपरा में पैदा हुए हैं, एक ऐसे देश में रहते जीते हैं जिसमें संस्कृति आज भी हजारों सालों के साथ इस क्षण भी जीवंत है। डॉक्टर साहब, 1000 वर्ष के या शायद इससे भी अधिक उपनिवेश काल में आपने जो बताया कि आइसबर्ग के ऊपर जो भौतिक संस्कृति थी उस पर बड़े प्रहार हुए, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां ध्वस्त की, नगर जला दिए गए, नालंदा का विश्वविद्यालय और कई लाख पुस्तकें धू धू कर 9 माह तक जलते रहे, और उसके बाद जब ब्रिटिश उपनिवेश काल आया तो वो जो आइसबर्ग के नीचे था उस पर प्रहार शुरू हुआ इंडोलॉजी के नाम पर, इतिहास के नाम पर। इस प्रश्न के दो हिस्से हैं, पहला यह कि कैसे भारतीय संस्कृति, लोक संस्कृति उससे बच पाई, और दूसरा ये कि भारत के पुनर्जागरण में और भारत के स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के पहले के स्वतंत्र आंदोलन में और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद के चेतना की स्वतंत्रता के आंदोलन में इस लोक संस्कृति की वो कौन सी मौन भूमिका रही? मुखर भूमिका रही, मौन भूमिका नहीं, बहुत मुखर। लेकिन एक मुखरता होती है जो शोरगुल नहीं होता, मुखरता बहुत मूल्यवान शब्द है। हम दरअसल एक तरह की वाचालता और शोरगुल में हैं, मुखरता में नहीं है। मुखरता बहुत सुंदर चीज है, लोग कभी उस अर्थ में शांत नहीं रहा है, उसकी मुखरता को सुनने के लिए जो श्रवण संवेदनशीलता है वो हमारी कम हुई है, लोग की मुखरता कम नहीं हुई है। वो हर जगह आप देखिए 1857 के संग्राम को किसने लड़ा था भारत में, क्या वो भारत का लोक ही नहीं था? ये राजनीतिक चेतना उसमें कैसे आई थी, इस राजनीतिक चेतना को उसने मूर्त किया। वे सफल या असफल हो सकते हैं ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई, वे लड़े
उनने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने सारे देश में एक चेतना पैदा की। अवध के किसान और बुंदेलखंड के खेतियार लोग जो हैं वो इसकी अग्रणी दस्ते थे, हमें समझना चाहिए इस बात को। 1857 के समर के बाद जब आज़ादी का नया आंदोलन आधुनिक काल में गठित हुआ, तथाकथित आधुनिक काल में, उसमें भी हमारे लोग की भूमिका, मैं आप हैरत करेंगे, एक बार हमने इस बात का निश्चय किया कि लोक समाजों में जो भाषाएं हैं उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के किस तरह के गीत रचे गए थे। 1000 से अधिक गीतों का संग्रह हमने किया है। इतनी प्रभूत मात्रा में हमारे नागर समाज ने कविताएं नहीं लिखी होंगी स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर, जितना वो बिल्कुल शांति से काम करने वाले लोग जो हैं वो उसमें अपना योगदान दे रहे थे। मैं आज भी ये मान के चलता हूँ हमारी आज़ादी के आंदोलन के सर्वोच्च मूल्य जो हैं वो लोक के मूल्यों से सबसे अधिक मेल खाते हैं। लोक उन मूल्यों को जीने का काम करता है, बात करने का अकेले नहीं। जब हम स्वावलंबन की बात करते हैं, स्वावलंबन में कौन भारत है, लोक भारत है या नागर भारत है? बड़ा मूल्य था हमारी आज़ादी के आंदोलन का स्वावलंबन। चेतना की स्वतंत्रता की आप बात करते हैं, हमें देखना चाहिए आधुनिक तथाकथित भारतीय शिक्षित समाज जो है शहरों में रहने वाला, अपनी चेतना में वो स्वतंत्र है या हमारा वो आदमी स्वतंत्र है जिसके ऊपर इसकी खरोंच तक नहीं पड़ी, ना उपनिवेशवाद की और ना पराधीनता की। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, जब गांधी जी से एक पढ़े लिखे मध्यवर्गीय ने पूछा था अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कि बापू आप मुझे बता दीजिए कि ये देश स्वतंत्र कब होगा, तब गांधी जी ने ये उत्तर दिया था कि मैं जिस भारत को जानता हूँ वो स्वतंत्र है, आपको जिस दिन स्वतंत्र होना हो ये आप तय कर लीजिए, मुझसे क्यों पूछते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो उत्तर गांधी का जो था वो आज भी एक तरह से आधुनिक शिक्षित भारतीय समाज के सामने प्रश्न की तरह खड़ा है, तुम स्वतंत्र कब होगे, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता जो है वो तो रोज रोज खो रही है और तुम अपने हाथों से अपने खोने को परोस रहे हो दुनिया के सामने। ये एक अजीब तरह की विडंबना, अंग्रेजी में इसको मैं एक शब्द में कह सकते, ये एक अजीब तरह की इंडियन आयरनी है, आयरनी है, ये ट्रेजिक आयरनी है ना, जिसका शिकार है सारा भारत। वो अपनी चेतना को औपनिवेशिकता से मुक्त ही नहीं करना चाहता, रोज रोज उसमें और गहरा धंसता है। लेकिन ये वही समय है जब हमारे देश के सबसे कम पढ़े बल्कि अनपढ़, अक्षर की परंपरा में नहीं शब्द की परंपरा में हैं जो लोग, जो सब तरह से वंचित हैं और जिनकी कोई चिंता करने वाला हमारा सत्ताधीश वर्ग कभी नहीं रहा, वे कठिन जीवन जीते हुए उन मूल्यों को बचाने में सफल रहे जो भारत, जो जिनको हम भारत के मूल्य कह सकते हैं। और हम, मुझे तो शर्म लगती है कि उन लोगों को कोई जब मूल्य के उपदेश देता है, उनको मूल्यबोध बताता है, उन्हें सिखाना चाहता है, उन्हें शिक्षित करना चाहता है। मैंने तो जब ये काम शुरू किया था 35-40 साल पहले, तब शायद हो सकता है इस अहंकार से भरा भी रहा हूँ, आज तो वो कब का विदा हो चुका है। उस क्षेत्र में काम करते पहली बार मुझे पता चला कि मेरे जीवन में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा बहुत कुछ था जिससे मुझे एक नई दृष्टि, नया जीवन, नया विचार, नई संवेदना, नई समझ मिली थी। डॉक्टर साहब, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1947 के बाद जो तीन पीढ़ियां भारत में आई, उन तीनों पीढ़ियों को अपनी अकादमिकता में लोक ज्ञान का कोई बिंब नहीं मिला। अकादमिकता से बाहर रखे गए लोक ज्ञान पर पहली बार आपने इतने विस्तार में काम किया। एक तो यह कि क्या कारण आपको लगता है कि भारत के लोक को भारत की अकादमिकता में स्थान नहीं मिला और इस कारण वो भारत के सामान्य लोगों तक पहुंचने में, सामान्य बौद्धिक वर्ग में पहुंचने में देर हुई? और दूसरा ये कि भविष्य का मार्ग क्या होना चाहिए कि भारत की अकादमिकता कैसे लोक के इस ज्ञान को, वास्तव में वह ज्ञान जो भारत के लोक चित्त का बिंब है, भारत के उस लोक चित्त को भारत के पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचा सके। भारतीय अकादमिकता की रचना
आधुनिक काल जिसको हम कहते हैं रेनेसा के बाद, मॉडर्न रेनेसा के बाद, मैं तो उसको हालांकि रेनेसा नहीं कहता, लेकिन अकादमिकता तो यही कहती रहती है, भारतीय बौद्धिकता भी ये समझती है और कहती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी अकादमिकता की रचना ही औपनिवेशिक काल में हुई है और औपनिवेशिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुई है। वो ये तो नहीं चाहते थे कि आप अपने ज्ञान में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपरा में, अपने संज्ञान में जैसे भी हैं वो दुनिया के सामने आए। वो तो ये चाहते थे कि आप इतने गए गुजरे लोग हैं कि इतना विशाल देश है, इतनी आबादी है और मुट्ठी भर ताकतवर, समझदार, बुद्धिमान लोग आप पे राज कर रहे हैं, तो उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनकी समझ, उनका विज्ञान, उनकी तकनीक, उनकी अकादमिकता तुम्हारा आइडियल बन जाए। इसके लिए एक रचना की गई थी। दुर्भाग्य से आज भी हम उसी रचना के भीतर हैं। हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को तैयार करते हैं इसके लिए कि एक मोटा पैकेज लेकर वे अमेरिका या यूरोप की सेवा में चले जाएं। इस अकादमिकता का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, सबसे सफल आदमी कौन माना जाता है इस पूरी यात्रा में? वो लड़का जो बहुत प्रतिभाशाली है, जो जीवन बहुत कम जानता है लेकिन पूरे समय सिर्फ पढ़ता रहा है, कोचिंग में पढ़ता रहा है या प्रतियोगी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को पढ़ता रहा है, डिग्रियां लेता रहा है, और जो अपनी प्रतिभा में थोड़ा सा विलक्षण है उसको तो पश्चिम उठा लेता है, वो आपके देश के काम तो आता नहीं है। मैं सहमत हूँ प्रभाष जोशी से जब वे कहते थे कि ये आईटी में काम करने वाले भारतीय जो हैं ये हमारे आधुनिक गिरमिटिया हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। दरअसल जैसे मॉरिशस और ट्रिनिडाड और टोबैगो में एक ज़माने में इन्हीं औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा हमारे देश से, बिहार से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पे गन्ने की खेती करने के लिए गिरमिटिया मजदूर ले जाए गए थे, उनको गिरमिटिया कहा जाता था। आज सारी दुनिया जो है वो हमारे आईटी गिरमिटियाओं पे गर्व कर रही है, आमंत्रित करती, मोटे पैकेज देती है, ये अकादमिकता की सिद्धि है। लेकिन कितना दुख है कि ये आदमी अपने देश के बारे में सबसे कम जानता है, ये अपनी परंपरा के बारे में सबसे कम जानता है, इसको अपनी ही परंपरा की भाषा की कोई समझ नहीं है, वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। उसका पूरा का पूरा मूल्य बोध जो है वो इस पे टिका हुआ है कि अगर पैकेज आज 5 लाख का है तो वो 10 लाख का हो जाए, 10 लाख का है तो 20 लाख का हो जाए, और वो बंदर कुंदली एक कंपनी से दूसरी कंपनी में करता रहता। हमारे समय का सबसे सफल और आइडियल आदमी वो है। लेकिन मैं एक ऐसी अकादमिकता की प्रतीक्षा में हूं जो अकादमिकता भारत की जमीन से जुड़ के पैदा हुई हो। ऐसा नहीं है कि वो हमारी विरासत नहीं थी, हमने किया था। हजारों साल तक हमारी अकादमिकता जो है वो दुनिया में ज्ञान का सर्वोच्च केंद्र गौरी शंकर बनी रही, लेकिन वो नष्ट की गई। आपने उसका इशारा किया, एक बार नष्ट की गई वो बर्बरता से और एक बार वो नष्ट की गई छल और दुष्टता से। इसको बहुत ठीक से समझे, बर्बरता को सदा एक सुरुचि, एक सुगरता, एक संवेदना, एक ज्ञान अपने लिए एक चुनौती मालूम पड़ते हैं। सारी दुनिया में, संसार भर के इतिहास में बर्बरता ने सदा उस सुगरता के लिए, उस संवेदना के लिए, उस सुरुचि के लिए, उस मानवीयता के लिए, उस बोध के लिए, उस मूल्य के लिए अपने लिए एक चुनौती माना, अकारण हमले करके उसको नष्ट किया। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारा मूल्य बोध जिस परंपरा ने रचा था उसको नष्ट करने के लिए भी पूरी तरह जितने प्रतिभा की जरूरत थी, बर्बर उतने प्रतिभाशाली नहीं थे। वे हमारी भौतिक संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को नष्ट कर पाए, हमारे देश की स्त्रियों से बलात्कार कर पाए, नगरों को लूट पाए, आगजनी कर पाए, 400-500 साल हमारी छाती पर बैठ के शासन कर पाए, लेकिन इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा हमारे लोक चित्त पे, हमारी ज्ञान परंपरा पे, हमारे मूल्य बोध पे। हाँ, एक आत्मग्लानी जरूर आई कि आज़ाद तो होना चाहिए, ठीक तो नहीं है, हमारे धर्म की हानि हुई है। फिर एक दूसरी लहर आई औपनिवेशिकता की, वो लहर जो थी वो मूलतः पश्चिम से आई थी और उसके उद्देश्य बहुत दुष्ट थे। वो प्रकट में तो व्यापार करने आई,
बाद में वो सत्ता में आई, लेकिन उसके पीछे उसके धार्मिक उद्देश्य भी थे, तो उन उद्देश्यों में चर्च भी जुड़ा हुआ था, राजसत्ताएं भी जुड़ी हुई थीं, पश्चिम का कुलीन वर्ग भी जुड़ा हुआ था। पश्चिम की तो पिछली 3 सदियों की सारी समृद्धि के केंद्र में वे एशियाई समाज, अफ्रीकी समाज और लैटिन अमेरिकी समाज हैं, जिनके लिए शासन करके छल पूर्वक वे लूट मार करते रहे। वो लूट मार उनके उद्यम की कमाई नहीं थी जिससे यूरोप संपन्न हुआ, सच ये था कि सारे यूरोप की संपन्नता का आधार ही औपनिवेशिक लूट मार थी। लेकिन ये बंद हुई तो पश्चिम के सामने संकट खड़ा हुआ। हम तो आज भी अपने साधनों से खड़े हैं, क्योंकि हमने कभी लूट मार करके संपन्नता कमाई नहीं है, संपन्नता को तो हमने अर्जित किया है। हम उद्यम में गए हैं, कौशल में गए हैं, हमने सदा अपने हाथों पर भरोसा किया है, अपनी समझ पर भरोसा किया है, रचने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया है, हमने इस तरह समृद्धि जुटाई थी। मैं मानता हूँ समय ने एक करवट बदली और हम पश्चिमी औपनिवेशिकता से भी मुक्त हुए, लेकिन एक बड़ी चुनौती हमारे देश में स्वयं हमारे देश के वो लोग हैं जो दरअसल औपनिवेशिक उद्देश्यों को उपनिवेशवादियों से ज्यादा अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं। बिना शिक्षा बदलना चाहते हैं, ना नया व्यवस्था बदलना चाहते हैं, है ना, ना हमारी समाज व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ना कानून बदलना चाहते हैं, वे कुछ भी नहीं चाहते, जो जैसा है वैसा केवल आज़ादी के बाद रन कर रहा, आगे बढ़ा दिया गया है। नवरचना की चुनौती से ये आंखें चुराते हैं। मैं बहुत बार अपने बोलने में इस बात को रेखांकित करता हूँ कि दरअसल पश्चिम की आधुनिकता को ही भारत में जिन लोगों ने अपनी आधुनिकता मान लिया है वे दरअसल अपनी आधुनिकता की एक कठिन लड़ाई लड़ने से बच रहे हैं, उससे जी चुरा रहे हैं। वो अपनी आधुनिकता अर्जित नहीं करना चाहते, उन्होंने एक शॉर्टकट निकाला, पश्चिमीकरण को ही भारत की आधुनिकता बना दिया और इस तरह से वे एक ऐसा नकली जीवन जीते हैं जिसमें उनके चेहरे नहीं होते, उनके मुकोटे होते हैं। उनने हमें एक ऐसा जीवन दिया है जिसमें हर आदमी एक छवि में जी रहा है, एक मुकोटा पहन के निकलता, अपने चेहरे के साथ निकलने की हिम्मत खो बैठे ये लोग। ऐसा इसलिए है कि ये अपने देश को नहीं जानते, जो तुमसे सदा से कहता रहा तुम सुंदर हो असुंदर हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, काले हो गोरे हो, अपने चेहरे के साथ रहो और कभी उसको लेके अपना आत्मविश्वास मत खोना। हमें मुखौटों की और छवियों में जीने की कोई जरूरत नहीं। सब अकादमिकता में भारत पर ये आरोप, पश्चिम के भी और भारत के भी अनेक अकादमिक विद्वान लगाते रहे कि भारत ने अपना इतिहास नहीं रचा। भारत के लोक ज्ञान में जो इतिहास है उससे वे सदा सहमत रहे, और तीसरा ये कि भारत के लोक नायक जो कि भारत की लोक परंपराओं के महानायक है, तेजाजी हों, आल्हा उद्दल हों, विक्रमादित्य हों, भोज हों, उन सबसे सदा इतिहासकारों का मतभेद रहा और उनके प्रति उनकी अस्वीकार्यता लगी। इसका मूल कारण आपको क्या लगता है और इसके गहरे प्रभाव भारत के अकादमिक चित्त पर क्या पड़े? देखिए, पहली बात तो मैं आपको इतिहास को लेकर ये बताऊं, जैसे भारतीय आधुनिकता वैसे ही पश्चिम के इतिहास से एक असहमत आदमी हूं मैं। मैं सदा इस बात को अपने वक्तव्यों में, लोगों के समक्ष, लिखने में भी बोलने में भी कहता रहा हूं कि अब जिन लोगों को अपनी स्मृति पर शंका होती है वे इतिहास में दर्ज कर लेना चाहते हैं उस सबको जिसको उन्हें भूलना नहीं है, लेकिन जरा इतिहास के पन्नों को उलट के देखिए, जो ना भूलने लायक है, जो दर्ज किया गया वो है क्या? उसमें चंगेज खान बैठे हैं, उसमें हलाकू बैठे हैं, याद रखना इन बातों को, उसमें हिटलर बैठे हैं, मुसोलिनी बैठे हैं, उसमें भी सब बर्बर विराजमान हैं उसी महिमा के साथ, लेकिन मनुष्य को अपनी रचनात्मक शक्ति से थोड़ा सा ऊपर उठाना, जीवन में थोड़ी सी सुविधा पैदा करना जिससे सारी मनुष्यता सुखी होती है, ऐसे लोगों का इतिहास लिखने में खुद पश्चिम विफल रहा है। उसने ऐसे लोगों का इतिहास नहीं लिखा। इतिहास किन लोगों का लिखा जाना चाहिए? लूटमार करने वाले लोगों का, आक्रमण करने वाले लोगों का, सभ्यताओं का नाश कर देने वाले लोगों का, या उन लोगों का जिन्होंने मनुष्यता जो है उसकी रचना में इतना सा भी योगदान दिया है?
हमने उनका इतिहास नहीं लिखा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपनी इतिहास दृष्टि को ठीक करिए और अपनी स्मृति पर विश्वास करिए तो इतिहास लिखने की इतनी हड़बड़ी और इतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतने इतिहास की जरूरत नहीं है जितना पश्चिम ने हमारे लिए बता दिया है। हम अपने सामर्थ्य पे और अपनी स्मृति पे भरोसा करने वाले लोग थे। हमने इस अर्थ का इतिहास हजारों साल में नहीं लिखा, लेकिन हजारों साल का ज्ञान आज भी हमारी संपदा है, हमारी स्मृति का हिस्सा है। इस अकादमिकता ने हमें वही आधुनिकता दी, वही इतिहास बोध दिया, वही समाज बोध दिया जो पश्चिम का है और उदार का है। इसने हमें भारत को देखने की आंख ही नहीं दी। मैं आपसे बता रहा हूं कि मतलब मेरा तो कोई सौभाग्य ही होगा कि विश्वविद्यालयों की आधुनिक शिक्षा के बाद मैं अचानक एक संयोगवश एक ऐसी अकादमी में काम करने का मुझे मौका मिला जहां जनजाति और लोक परंपराओं का अध्ययन करना था, कलाओं का, संस्कृति का, भाषाओं का, कला रूपों का, इस सब का अध्ययन करना था। लेकिन मैं इसके लिए डॉक्टरेट करने के बावजूद एक कोरा आदमी था, क्योंकि मेरी आधुनिक शिक्षा ने मेरी परंपरा की सारी संस्कृति के लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे थे। मैं कुछ भी नहीं जानता था। दरअसल यहां काम करते हुए मैं बहुत गर्व से लोगों से इस बात को कहता हूं कि एक नए भारत को मैंने देखा, एक नए जीवन को मैंने देखा, एक नई परंपरा को मैंने देखा, एक नई शक्ति को मैंने देखा और मेरे भीतर की सारी आत्मग्लानी छट गई, एक मिनट में छट गई। मैं समझ गया कि इस देश की वास्तविक शक्ति कहाँ है। उसको तो हमारे युवाओं के लिए, विश्वविद्यालय कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे विद्यार्थियों के लिए उसका तो कोई द्वार खोला ही नहीं गया कभी। डॉक्टर साहब, हिंदी साहित्य की एक बड़ी भूमिका होती थी हमारे लोक चित्त को लोगों तक ले जाने के लिए। 70 के दशक के बाद हिंदी साहित्य की लोक चेतना मध्यम पड़ी और धीरे धीरे लगभग बुझ गई। इसका कारण आप क्या देखते हैं और उसे पुनः प्रज्वलित करने का, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो लोक आचार में नहीं भी है वो हिंदी साहित्य के मामले से अपने लोक के धागे से जुड़ा रहता था, अब वो धागा टूट जाने के बाद पुनः एक बार हिंदी साहित्य, और इसलिए संभवतः दर्शक और श्रोता भी कम हो गए, पाठक भी कम हो गए, पुनः भारत के लोक चित्त से हिंदी साहित्य को जोड़ने का मार्ग आप क्या देखते हैं? देखिए, एक बड़ी कीमिया मैं आपको बताऊं। 70 तक कहीं ना कहीं हमारी लोक भाषाएं खड़ी बोली हिंदी की वास्तविक शक्ति थी, उसके शब्द भंडार में और उसकी अर्थध्वनियों में भी। हम भंगिमाओं को वहां से लेते थे। हमारे पास कितने सारे लेखक थे, प्रेमचंद थे, नागार्जुन थे, रेणु थे, कितने कितने लोगों ने लोक भाषाओं के निकट आके उससे ऊर्जा प्राप्त की। और हिंदी का तो बड़ा सौभाग्य है कि 18 लोक भाषाएं उसको मिली हुई हैं। ये उस इतना बड़ा भाषिक आधार तो भारत में किसी भाषा का नहीं होगा। लेकिन 70 के बाद एक घटना हुई, वो घटना ये थी कि खड़ी बोली हिंदी ने अपने लोक और लोक भाषाओं को की तरफ पीठ कर ली और चेहरा कर लिया यूरोप की तरफ। हिंदी में बड़ा लेखक वो था जो फ्रेंच लिटरेचर की बात करे, रशियन लिटरेचर की बात करे, इंग्लिश लिटरेचर की बात करे, स्पेनिश लिटरेचर की बात करे, इटालियन लिटरेचर की बात करे, वो हिंदी का बड़ा लेखक होता था। लेकिन लोक की कोई बात करे तो उसको लेखक मानने में उसका उपहास करना, ये तक हालत बना दी गई। आप दरअसल 30-40 वर्षों तक इस क्रम ने पूरे आधुनिक हिंदी साहित्य को, एक अर्थ में समकालीन हिंदी साहित्य को, जनता से विमुख कर दिया। उसका कोई पाठक समाज नहीं बचा, क्योंकि जब उसको अपनी अर्थ ध्वनियां आपके लेखन में मिलेंगी नहीं तो वो उसको पढ़ेगा क्यों? और हम पश्चिम की बहस को भारत की बहस बना क्यों रहे हैं? उस आदमी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें कि वो फ्रांस में चल रही किसी बहस को हिंदी में अगर कोई लेखक अनुदित कर रहा है तो वो उसको पढ़ के अपने आप को बुद्धिजीवी माने? इसका कोई अर्थ नहीं था। तो इसका ठीक प्रतिउत्तर हमारी जनता ने दे दिया है ऐसे लोगों के लिए कि आज आधुनिक कविता, आधुनिक कहानी, आधुनिक उपन्यास, आधुनिक आलोचना 200 प्रतियां बिकना मुश्किल हो गई हैं। ये गर्व से फूले फिरें कि बड़े लेखक हैं, ये अलग बात है। सच ये है कि ये जानते हैं कि इनका आधार समाप्त हो चुका है, इनका आधार समाप्त हो चुका है।
ये लोग सकटे हुए लोग हैं, ये भारत की बात ही नहीं करना चाहते। एक खास तरह की विचारधारा का अनुगमन और साहित्य में उसी की व्याप्ति के 40 वर्ष हिंदी में निकले हैं। क्या परिणाम हुआ उसका? भारत का सबसे वंचित वर्ग जो है वो इस साहित्य को जानता तक नहीं है। वहां क्या बहस चल रही है, वहां क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो यहां अनुदित कर देंगे, क्योंकि भारत तो उन्हें देखना नहीं है, अपनी लोक भाषाएं तो उन्हें देखना नहीं है, अपना लोक चित्त देखना नहीं है, अपनी जन रुचि उन्हें देखना नहीं है। दावा करते हैं, एक यथार्थ का दावा करते हैं, एक आधुनिकता का दावा करते हैं, दोनों ही होते हैं। डॉक्टर साहब, एक ऐसे समय में जब वैश्वीकरण की आंधी भारत में तेजी से चल रही है और उसका गहरा प्रभाव भाषा पर पड़ा है, हम हिंदी के अखबार पढ़ें तो अंग्रेजी के शब्दों से भरे हुए हैं, और आज की पीढ़ी की कहें तो ठीक ठीक चार वाक्य भी बिना किसी अंग्रेजी के शब्द को लगाए वो पूरा नहीं कर पाते हैं, संचार माध्यम भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। दूसरी तरफ 40 वर्षों के इस एक तरफा उपक्रम से हिंदी अपने लोक चित्त से दूर हो गई। ऐसे में आप हिंदी के लिए भविष्य में आशा की क्या किरण देखते हैं, और वो क्या मार्ग है जो सरकारों को और साहित्य में रुचि रखने वालों को लेना चाहिए कि हिंदी एक बार पुनः अपने लोक चित्त में लौटे? पहली चीज तो यह है कि खड़ी बोली हिंदी में जो रचना होती है, आज हम जिसको हिंदी रचना कहते हैं, उसको लोक भाषाओं की तरफ लौटना पड़ेगा। लोक भाषाओं की ओर लौटने का मतलब कोई आंचलिक साहित्य लिखना नहीं है। अंतर्ध्वनियाँ होती हैं हर जातीय परंपरा की भाषाओं में। हमारे पास ब्रज भाषा है, हमारे पास अवधी है, हमारे पास भोजपुरी है, हमारे पास बुंदेली है, हमारे पास छत्तीसगढ़ी है, हमारे पास मालवी है, हमारे पास निमाड़ी है, हमारे पास गढ़वाली है, हमारे पास राजस्थानी है, हमारे पास मैथिली है। इतना विशाल भाषिक उत्तराधिकार जो है, इसकी अंतर ध्वनियों से जीवन की लय को पकड़ना भाषा में, ये चुनौती हिंदी के सामने है। और वो जिस दिन ऐसा लगेगा, उस दिन उसके उसको पढ़ने वाले आदमी को लगेगा ये मेरे भीतर की आवाज है। ये वही संवेदना है जो मेरे हृदय में घुमड़ती रहती है, ये वही दृश्य हैं जो मेरी आंखें देखती हैं। लेकिन आज तो उसे रिक्त कर दिया है आपने, चुनौती यही है। वैश्वीकरण एक अद्भुत वरदान भी हो सकता, हालांकि पूरी दुनिया में एक से पन की संस्कृति पैदा करके इसने बड़ा नुकसान भी किया। संस्कृति हमेशा विविधता में सुंदर होती है। एक से पन, एक से घरों में रहना, एक सा खाना खाना, एक से कपड़े पहनना, एक सी भाषा बोलना, एक सी तकनीक इस्तेमाल करना, इसने एक से पन की एक संस्कृति पैदा की। लेकिन एक विलक्षण शक्ति भी इसमें थी। हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, वो शक्ति ये है कि ज्ञान अब सिर्फ जाति परंपरा का नहीं बचा, वो दुनिया का हो गया। और इस अर्थ में भारत, भारतीय भाषाएं, भारतीय ज्ञान और भारतीय रचना के लिए पृथ्वी के सारे कोनों तक फैलने का एक अपूर्व अवसर मिला है। इस अवसर का हम सदुपयोग कर लें, क्योंकि ये पहले कभी नहीं था। बहुत थकान भरी यात्रा करके आप तक लोग कुछ सीखने के लिए आते रहे हैं। कभी ग्रीस से आए हैं, कभी इजिप्ट से आए हैं, कभी मध्य एशिया से आए हैं, कभी चीन से आए हैं, कभी तिब्बत से आए हैं। आज किसी को कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप पहुंच सकते हैं, आप पूरे समय उन्हें उपलब्ध हो सकते हैं, और उस वास्तविक भाष्य में हो सकते हैं जिसका कोई कुपाट ना किया जा सके। वैश्वीकरण ने जो तकनीक और जो साधन उपलब्ध करवाए, उनका एक पहलू ये भी है, नुकसान मैंने आपको बता ही दिया, कि वो पूरी दुनिया में एक से पन की संस्कृति पैदा कर रही है। इसलिए संस्कृति की बड़ी क्षति होगी इसमें, क्योंकि सब खो देने के बाद लोग ये समझेंगे कि हमारा मौसम अलग है, हमारी प्रकृति अलग है, हमारी धूप बहुत अलग तरह की होती है ना, हमारी बारिशें अलग होती हैं, हमें एक खास तरह के ही कपड़े चाहिए, हमें एक खास तरह का ही खाना चाहिए, हमें एक खास तरह का ही घर चाहिए, हम देर से समझेंगे बहुत सा खो देने के बाद। लेकिन फिर से संस्कृति ये उद्घोष करेगी कि मुझे बहुत रंगों में खेलने दो, मुझे बहुत स्वरों में बात करने दो, है ना, मुझे बहुत संवेदनाओं में रचने दो। ये उसका स्वभाव है, वो नहीं बदला जा सकता। वैश्वीकरण में इतनी शक्ति नहीं है
कि इसने जो एक सापन पैदा किया है वो संस्कृति को सपाट कर दे, ये नहीं हो सकता। एक प्रसिद्ध कहावत है कि आप जो हैं वह आपको ईश्वर का वरदान है, और आप जो बनते हैं वह ईश्वर के लिए उस वरदान के बदले आपकी भेंट है। इन शब्दों को सार्थक करने वाले डॉक्टर कपिल तिवारी ने एक लंबी यात्रा एक साहित्य जगत के की अकादमिकता से लोक संस्कृति और लोक जीवन के गहरे प्रसार तक की। मुझे आशा है कि न केवल उनके लिए यह पद्मश्री, आने वाली पीढ़ियों के लिए लोक संस्कृति की ओर देखने और उसे अपनाने की प्रेरणा बनेगा, अपितु उनके द्वारा संकलित किया गया यह ज्ञान आने वाले वर्षों में भारत की अकादमिकता और भारत के सारे सामाजिक जीवन के लिए खुद के पुनरावलोकन का एक माध्यम बनेगा। धन्यवाद।